हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर जो है ये फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट 2019। इसमें एक कहता गया है, एक ऑब्जेक्ट है रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है, जिसका रूम टेम्परेचर जो है एन ऑब्जेक्ट केप्ट इन ए लार्ज रूम हैविंग एयर टेम्परेचर, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है और ये रखा हुआ है, चारों तरफ से एयर है, जिस एयर का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ एयर जो है टी नॉट की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू टेक्स 12 मिनट्स टू कूल फ्रॉम टी वन इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस टू टी टू इक्वल द टाइम टेकन टू कूल फॉर द सेम ऑब्जेक्ट 70 टू 60 वुड बी। अब इसके लिए एक टाइम तो दिया हुआ है, जो फर्स्ट फेज है उसके लिए दिया हुआ है 12 मिनट्स, ये 12 मिनट, और नेक्स्ट में जो है ये आता है 70 से 60, मतलब फॉर सेकेंड केस के लिए। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए सेकेंड केस है, सेकेंड केस, पहला केस तो ये है सेकेंड, तो सेकेंड केस में टी वन जो है वो कितना है 70 है और दूसरा टी टू जो है वो कितना है टी टू 60, 70 से 60 डिग्री सेल्सियस। आपको टी टू निकाल के देना है, टी टू कितना है, ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो यहां से यहां आना है ये टेम्परेचर और यहां से यहां तक आना, अब हमको बताना ये है कि टी टू की वैल्यू कितनी होगी ये। तो चलिए आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये फर्स्ट केस है न्यूटन्स लॉ ऑफ, ये हम लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, केस फर्स्ट, ये पहला केस है और पहले केस में हमें बताया गया ये होता है टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू टी वन प्लस टी टू अपॉन टू माइनस टी नॉट, और ये सामने है के। तो टी वन जो है वो कितना है, यहाँ वाला पहला वाला केस, ये सेकेंड केस है, तो ऑफ कोर्स ये पहला केस है, इसमें क्या है 80 से माइनस कितना किया गया है 70 डिग्री सेल्सियस, क्या बातें समझ में आ रही है, अपॉन टी वन जो है वो 12, तो 80 प्लस 70 के तो सामने रखिए ही 80 प्लस 70 अपॉन टू माइनस टी नॉट, और टी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, ओके, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 70 10 अपॉन 12, और के 80 प्लस 70 150 अपॉन 2 माइनस 20, तो ये आपका हो गया दूसरा, ये पहला केस हो गया। इसमें हमें इससे आगे क्या करना है, इसको सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6, इसको काटेंगे ना तो दिस विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 6, और ये जो है ना 75, तो 5 अपॉन 5 अपॉन 6 के 75 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 5 अपॉन 6 के 75 माइनस इतना हो जाएगा 50, तो के इक्वल टू कितना होगा 5 अपॉन 6 इन, तो ये कितना हो जाएगा 10, तो 1 अपॉन 60, ये तो के हो गया। अब हमें ना के की वैल्यू पता चल चुकी है, तो अब हम केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड में क्या होता है, ये टी वन माइनस टी टू यहाँ भी होगा, और इस बार जो टाइम है ना वो टी टू है, और टी वन प्लस टी टू के इंटू अपॉन टू, और ये कितना हो जाएगा टी नॉट, तो टी वन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 70 माइनस 60 अपॉन टी टू, टी टू हमें निकालना है, और के 70 प्लस 60 अपॉन टू माइनस टी नॉट, टी नॉट की जगह पर कितना लिखा हुआ है 25, और यहां पर 10 अपॉन टी टू, और के की जगह पर वैल्यू कितना है 1 अपॉन 60, और यहां इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा देखना 130 अपॉन टू माइनस, तो ये यहां 10 अपॉन टी टू इक्वल टू 1 अपॉन 60 इंटू ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 65 माइनस 12, ये 10 अपॉन टी टू इक्वल टू 1 अपॉन इंटू इससे करेंगे माइनस कितना हो जाएगा बेटा 40, ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर टी टू इसको लेना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 2 टी टू इक्वल टू 30, और टी टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 अपॉन टू, तो ये दिस विल इक्वल टू 15 मिनट, क्या डन, कोई दिक्कत है, 15 मिनट, दिस विल द आंसर ऑफ नेक्स्ट टाइम, जो टाइम ड्यूरेशन होगा कितना से आना है 70 से 60 आने में, ओके okay?